के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सिरोही मुख्यालय पर स्थित सरकारी अस्पताल में इमरतों की भीड़ चढ़ता जा रहा है। सरकार बदल गई लेकिन नहीं बदली तो सरकारी अस्पताल में फैली लचर व्यवस्थाएं। सरकारी अस्पताल की बदहाली पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बदहाली के आंसू रो रहा अस्पताल, जगह जगह फैला कूड़ों का अंबार, लचर व्यवस्थाओं से हर कोई परेशान। दीवार पर लिखे ये निर्देश साफ इंगित करते हैं कि कचरा डस्टबिन में ही डालें, लेकिन न तो इसका अनुपालन हो रहा है और न ही कोई करवा रहा है। आप अस्पताल परिसर की इन तस्वीरों को देखें। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, खाने पीने का सामान फैला हुआ है, हर जगह गंदगी गंदगी और सिर्फ गंदगी। और ये तस्वीरें हैं सिरोही मुख्यालय के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की। सिरोही के सरकारी हॉस्पिटल में है, यहाँ पर देखा जाए तो दो बार राज्य मंत्री ने कहा दौरा हो चुका है। मंत्री के दौरे के बाद भी जो है यहाँ पर जो है सफाई का आलम पूरी तरह से जो है दर से बदतर हो चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, यहाँ पर सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है और नहीं यहाँ का हॉस्पिटल का जो प्रशासन तो ध्यान दे पा रहा है। वो बच्चे की बीमारी है, वो डॉक्टर ही नहीं आया, वो एडमिशन करवाया, छुट्टी नहीं दे रहे। ठीक है तो उसको छुट्टी नहीं दे रहे। और सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई की गंदगी है, गंदगी सफाई करने को आते हैं पर नहीं आते। एक सवाल में आया था और तो अंदर अंदर करता से बाहर कहाँ सारे लोग। सिरोही मुख्यालय का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहने को तो 300 बेड का बन चुका है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कमान संभालने वाले लापरवाह बने हुए हैं। सफाई व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, मरीजों को पानी पीने के लिए अस्पताल से बाहर जाना पड़ रहा है। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी दो बार अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। मंत्री जी ने खूब वाहवाही लूटी लेकिन समाधान और व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ और आम जनता आज भी अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसके करो। और यहाँ पर सफाई की व्यवस्था कैसे होती है? सफाई की व्यवस्था देखो, आप खुद देख लो कैसी है, गंदगी है क्या? गंदगी है। आलम यह है कि अस्पताल में ना तो समय पर कोई डॉक्टर मिलता है और ना ही दवाइयाँ, जिसके कारण बाहर से आने वाले मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, सिरोही के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। अस्पताल में व्यवस्थाएं दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स के रूम खुलते तो हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिलते डॉक्टर। हर दिन किसी न किसी डॉक्टर का रूम खाली ही नजर आता है। लचर व्यवस्थाओं से अगर कोई परेशान है तो मरीज और उनके तीमारदार। सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी के साथ फिलहाल के लिए आज के लिए मुद्दा आपका में बस इतना।